بسم الله الرحمن الرحيم. وقالهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتله وما سلبه ولكن شب لهم. وان الذي نختلف فيه لفي شك منه ما لهم به من العلم الا اتباع زني وما قتله يقينا. صدق له العالم. کہنے پر کہ ہم نے مريم के बेटी मसीह ईसा को कत्ल किया जो अल्लाह का रसूल था हालांकि उन्होंने न उसे कत्ल किया न सूली पर चढ़ाया लेकिन उनका इज्तवा हो गया और जिन लोगों ने उसके मतलब अख्तलाफ़ किया वो भी दरअसल शक में मुबला हैं उनके पास भी इस मामले में कोई यकीन नहीं है महज गुमान खी की पैरवी है उन्होंने यकीनन मसीह को कत्ल नहीं किया हकीक़त इरफान में ईदलफ़ाक़ और ईद क़्यामतमसी के सिलसिले के हम दूसरे राख नशरत में हाजिर हुए हैं आप तमाम सामी नाजिन सलाम और खुशाम अजीज समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि जब सूरज की इंतहाई तपिश से उसकी हरारत से पानी भाप बनकर ऊपर पड़ जाता है और वो भाप बनकर बादलों के दोष पर सवार होकर जहां हुक्मय परवरदिगार होता वहां बरसता है अब वो जमीन पर कतरी की शक्ल में बरसना शुरू होता है या गिरता है उसे बारिश कहते हैं या बारिश की शक्ल अख्तियार किया जाता है बूंदे मानी होती टपकती रहती कभी मौसाधार कभी कम अगर वो जमकर गिरे तो ओले होते कहते हैं या ओला अगर गिर कर जमे तो बर्फ़ बन जाता है पत्तों पर गिरे तो शबनम की शक्ल अख्तियार कर लेता है सूखी जमीन पर गिरे तो सैराब कर देता है अगर वही बरस आसमान से बरसा पानी पहाड़ पर गिरने गिर करके जब बहने लगे तो जो जिस मुकाम पर से वो रुकता हुआ गुजरता है वो उस जगह के मुताबिक होता है कहीं नदी कहते हैं कहीं नाला कहते हैं कहीं दरिया कहते हैं और ये होते हवाते यानी कहीं अगर ज्यादा गहराई में है ज़मीन में खोदा गया है तो कुआं या हौज या चश्मा की शक्ल या या वो पानी झील में चला जाए तो झील बन जाता है अगर वही पानी जब जमीन के अंदर जज्ब होकर करके किसी मुकाम से अस बह निकले या उबल पड़े तो उसे चश्मा कहते हैं यह चश्मा खारा भी हो सकता है और मीठा भी जब दरख्त के अंदर समा जाए तो उस दरख्त का फल को रसदार बना देता है और उसी फल से निकलता हुआ पानी को रस कहते हैं अजीज इसी को मोजा कहा जाता है पानी के बादलों के दोष पर जहाँ खुदाए कदस का हुक्म होता है वहीं बरसता है वो पानी वो बारिश का पानी वही आसमान से गिरता हुआ जानदार पिए तो प्यास बुझती है पानी और कलाम दोनों पाक होते हैं और दोनों से प्यास बुझती है पानी से इंसान के जिस्मानी प्यास और कलाम से इंसान के रूहानी प्यास बुझाई जाती है ये अपना अपना जर्फ है कि किस कौन कितना हासिल करता है जब बारिश का पानी ऊपर से टपकता है गिरता है पहला बारिश का बूंदा तो उस बूंदे को समुद्र सं, सतह से उठने वाले जानवर जो ज़मीन के समुंदर के अंदर होते हैं वो जब ऊपरी सतह पर आते हैं तो अपना मुंह खोलकर उसे जज्ब कर लेते हैं सांप अगर ले ले तो जहर बन जाता है सीप पर घोंगे सीप ले ले या घोंगे ले ले तो वो मोती में तब्दील हो जाता है ये अपने अपने जरस की बात है ऐसा निगराम कद अगर इंसान के जिस्म से मख्तलब मकाम पर वही पानी निकलता है जो इंसान पीता है अगर उसके नाक से बहे तो नज़ला आँख से बहे तो आंसू लेकिन कोई शुमार नहीं कर सकता जजमेंट नहीं कर सकता कि यह खुशी के आँसू हैं या महब या गम के लेकिन आँसू जोर दो, दोनों मौके पर निकल आते हैं और अगर हम गौर करें तो जिसम के मसाम से निकलने वाला पानी उसको पसीना कहते हैं इसी तरह मुका, मुकाम मुकाम मखसूस से खारिज हो हो तो तिब की ज़बान में क़ारूरा बूल यूरिन या पेशाब कहा जाता है ऐज़ान मंद अगर वही पानी जिनसी ताल्लुकात के बिना पर या जहनी तौर पर वो पानी अगर अखराज हो तो उसको नस्फ़ा कहा जाता है मोहतलिब मु, हो जाता इंसान एहतलाम हो जाता है गसल वाजिब है लिहाजा उस अजली कलमा को जो वजह तख्लीक कायनात और नूर मुजस्म जो कुआरी मरियम से पैदा हुए या हवैदा हुए उनकी वलादत बासादत बैैर बाप के हुई यानी इंसानी जिसम कोई को दखल नहीं है जिसम कोई इंसानी अगर दखल दावा करता तो वो झूठा करार पाएगा ये मुजजा कायनात में किसी को किसी के हिस्से में नहीं है तो जिसके पहली आमद मजदा जिसका ज़मीन पर रहना मजदा जिसका कलाम मोजा जिसके कलमात मोजा जिसके मोजात मोजा जिसके हर हर अदा मोजा कहलाया जिसके पानी पर चलना मोजा जो जिसको छू ले तो वो मुजज़ा बन जा बन गया सलीब पर वही पानी खून की शक्ल में बह निकला था कहा था कि मैं प्यासा हूँ और मतवफिका सलीबी मौत कबूल किया तजी तकफीन की गई दफन हुए और तीसरे दिन अज खुद मुर्दे में से जी उठे तो ठीक चालीस दिन के बाद सऊद समावी हुए वही रा, का यानी यसु मसीह को खुश आमदीद और वेलकम कहने के लिए उनके वापसी के तैयारियां हुई थी इस ऐलान के साथ कि मसीह ने सब फरिश्तों को बताया कि मैं आ रहा हूँ और उनके कहने पर हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह को कत्ल कर दिया जो अल्लाह का रसूल था सवाल यह है आज का अजीजा ग्राम कदर कि क्या वाकई हजरत मसीह सलामाना को किसी ने कत्ल नहीं किया और ना उन्हें किसी ने सलीब दी क्योंकि आयत यही है आयत का दूसरे जज् को उनवान बनाया जाता है और लेकिन पहला जो छोड़ दिया जाता है पहले में है ऐसा अनुमान के आप सब कुरान शरीफ को बहुत अगर देखें तो बहुत मख्तसर से जवाब है लेकिन इसकी तफसील जानने के लिए रवायत नहीं आयत को आयत से समझना होगा हमारे यहाँ या किस्मत के रवायात और को अजब अंदाज में तख्लीक किया गया है या तहरीर किए गई हमें कुरान शरीफ से कबल जो किताबें थी कुतुब मुकदसा थी उसका मताल करना होगा वरना फिर आइए हम पूछते हैं कुरान शरीफ से क्या वाकई वो किताबें खत्म हो गई रद्द कर दी गई तहरीफ हो गई या नहीं सुर आलमरान तीसरा सुरह है और आयत नंबर तीन है नजलि कल किताब मुसद्दल बनदी व तंजल तौ। तौरात वंनजील उसने तुझ पर यह सच्ची किताब नाजिल की जो पहली किताबों की तस्दीक करती है और उसी ने इस किताब में पहले तौरात और इंजील नाजिल फरमाई इस किताब से पहले एसान मुकरम देखिए तस्दीक उसकी की जाती जो सच्चा होता झूठे की कोई तस्दीक नहीं करता झूठे की तस्दीक झूठा करता है थर सच्ची की तस्दीक हमेशा सच्चा करेगा ये अटल फैसला है तो कुरान शरीफ़ तौरात और इंजील के बारे में क्या कहता है आइए सुर मदा पांचवा सूरा है और छियालीस नंबर आयत है व कफ़ाइन अला आसार बी साब मरियम मुसद बद ब तौरात वात इंजील फ़ी ही उदम व नूर व मुसद व माज़तमत ऐसा नगरामी हम ने इसके पीछे उन्हें क़दमों पर मरियम के बेटे ईसा को भेजा जो अपने से पहले किताब इन्हें तौरात की तस्दीक करने वाला है और हमने उसे इंजील दी और जिसमें हिदायत और नूर है अपनी ही पहली किताब किताब इन तौर की तस्दीक करने वाला और राह बताने वाले और डरने वाले के लिए नसीहत है मसीह ने कहा था मैं तौरात को तब्दील करना नहीं मैं शरीय को तब्दील करने नहीं बल्कि मुकम्मल करने आया हूँ और कुरान छः सौ साल के बाद तहरीर लाया गया सूर्य बकरा अब देखे हमने दो आयत पेश की सूर्य आलिमरान की तीसरी आयत और सूर्य मायाद की छियालीसवें आयत इसमें उस किताब के बारे में जिसको हमारे मुफसर कहते हैं कि वो तब्दील हो गई रद्द कर दी गया आइए अब हम कुरान के दूसरा सूरा और उसकी दूसरी ऐत से पूछते हैं कि क्या वाकई जालिकल किताब उन्हें आ रहा है बफी हदमुती वो किताब ने तर्जुमा में लिखा ये वो किताब इसमें शक नहीं करना परिसदार की हिदायत है अच्छा अब अगर कोई कुतुब में शक करेगा तो क्या होगा तो यह हम सूर्य आल इमरान के चौथी चो, नंबर आयत में देखते हैं मिन कब्ल हदासरक़ान नज़ी कफ़ुरब आयात लूज़बाशद आजीज़ुलतकाम वो किताबें लोगों के लिए रहनमा हैं क़ुरान कह रहा है कि वो किताब लोगों के लिए रहनुमा है जो कुरान से पहले की है और उसी ने फैसला क्यूँ चीज़ें नाजिल फ़रमाईं बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों के मुनकिर हुए उनके लिए अज़ाब शशक्त अजाब है और अल्लाह ताला ज़बरदस्त बदला लेने वाला है यानी इंसान बदला न ले रबालम खुद बदला लेने वालों में से किससे जो मुनकिर होगा जो इनकार कर लिया, कुफर करेगा किसका खुदा की आयत का सरका सर नाम कलाम अज्जा ने ग्राम कदर हमने सूर नस्ाह की आयत नंबर एक सौ सत्तानवे पेश की वन फिफ्टी सेवन इसमें एक भेद है अगर जर आमीक नज़र डालें और हम अफलाताक़लून के ज़रिए अफाल तफ़कर पर अमल करें तो इन श्लिम बासानी अफला तदब्बरून के मंजिल पर पहुँच जाएँगे इसमें एक आयत है जो कई जुज है आयत तो बता रख है लेकिन उसमें बहुत सारे जुज़ है और हम उसी जुज के लिए जो हमारे बरसदिर के एक, एक स्कौर्ण, इस्लामी स्कॉलर हैं जिन्होंने दावा किया बबांग दोहल कि जी मसीह मरे नहीं थे बल्कि उठ खड़े हुए अच्छा क्या आज तक आपने किसी को किसी इंसान को मुर्दा कह करके जब उसके टेस्ट ले लिया गया मर गया वो मेडिकल फेल मेडिकल नहीं कहते कि मैं मर गया टेस्ट करने वाले चेक किया शख्स मर गया अब उसे गुसल दिया गया कफन दिया गया, दिया गया तीन दिन के बाद वो शख्स वो पहले बता चुका था कि मैं तीन दिन के अंदर तीन दिन के बाद जी उठूंगा और हवाले दिया था कि जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम यूनुम्ना नबी के बारे में जो तीन दिन मछली के पेट तीन दिन और तीन रात मछली के पेट में पे रहे उसकी मिसाल थी जब लोगों ने पूछा था आपसे आइए हम देखते हैं तो मैं बजाय और हम जिस आयत पर पर गुफ्तगू करेंगे एक एक जुज पर तो आप बड़े तहमुल तमान से समात फरमाइएगा लेकिन ये ना कह दीजिएगा आखिर में कि जादू कर दिया है क्योंकि मैं एक तालिबिल की हैसियत से गुफ्त का आगाज कर रहा हूँ इब्तदा शुरू कर रहा हूँ यहूदियों के फ़िक व फरीसियों ने और ने दावा किया कि हमने मसीह रीसी को कत्ल कर दिया ऐसा नगरामी फिर समाज फरमाइए कि यहूदियों ने जो उन फ़की फरीसी हुआ करते थेमा होते थेमा दीन होते थे फ़तावा देने वाले तो उन्होंने दावा किया कि हमने ईसा मसीह को कत्ल कर डाला कौन सा ईसा मसीह जो मरीम के बेटा है ज़ाहिर से बात है कुरान में एक ही खातून का नाम है जिसका नाम है मरियम मरीम के बेटा अल्लाह का रसूल था फ़रमाए अपने यानी पैगंबर इस्लाम अलैहि वसल्लम ने इस आयत के उस भेद को जो मुबम था उसका एक पर्दा चाक किया है ऐसा निगराम क़द्रैगम इस्लाम स जितने भी शिक्र की अदा की जाए वो भी कम है उनकी खदमत में उनके हम दो सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने कुरान शरीफ में इस आयत को कि उस भेद को उन्होंने जो मुबह अंदाजा था उसका पर्दा चाक कर दिया और यहूदियों का खास दावा को बिल्कुल गैर यानी जो गैर मुतव उन्होंने दावा किया कि हमने मसी जो मसीह मरीम मसी ईसा इब्न मरीम के बेटे को कतल कर दिया जो अल्लाह का रसूल था अच्छा अब जो भी कुरान शरीफ से कबल नादिर होने वाली किताब या कुतुबामी पर शक करता है या शक करेगा ये ऐसी ही बातों को तरगीब देगा कि वो तब्दील हो, हो, हो गए तहरीफ हो गई बदल कर दी गई मिलते जुलते गोया उन अल्फाजी न कफ़ुरबेत वो लोग अल्लाह की आयतों के मुनकिर हो गए इनकार कर दिए कफ़्र किया लहु अजाबदीद उनके लिए सख्त अज़ाब वल्ला अज़ीज़ हु इंतकाम और अल्लाह ताला ज़बर से इंतकाम लेने वाला हमने सूरह निसा की आयत पे अभी हम जरा उस जुज्स को ज़रा देखते हैं कि क्या वाकई उन्होंने मसीह का कत्ल नहीं हुआ कि इस इस्लामी स्कॉलर कहते जी वो जीव थे हम इसी आयत को यही आयत उन्होंने इस्तेमाल किया था आइए व कौल ही उनका कहना है किसका का किसने दावा किया कौन कह रहा है क्या कह रहा है इन्ना कतलना ना इन्ना के माने हमने कतल बेशक हमने कत्ल कर दिया है किसका कतल कर दिया और क्यों कतल किया दावा करने वाला दावा कर रहा है कि वो हमने कत्ल कर दिया उसका नाम भी है जिसका कतल किया जी हाँ रीसाबन मरियमा मसी इब्न मरियम को कुरान शरीफ में पहले सिफत लकब या टाइटल जो कहा जाता है मसीह उनका लकब बताया गया ये खास सिफत है मसीह मसीह फिर उस शख्सियत का नाम है ईसा और फिर ये बनीत यानी जिसमानी रिश्ता जाहिर किया जा रहा है अजीज़ा निगरा में कद जिसमानी रिश्ता तो बाप दादा से होता है तो कुरान ने इब्न मरियम क्यों कहा बाप का नाम क्यों नहीं लिया इसलिए कि बेघर बाप के हुए रुहदी मरियम रबनाथ कुदुस ये सूर्य बकरा आयत नंबर दो सौ तिरासी जहाँ तीसरा पारा शुरू होता है वहाँ पे तिलकर रसूल वहाँ से शुरू वहाँ ही आयत मिलेगी आपको तो जिसमान नेहिर किया मगर कुरान शरीफ में वाद खातून मुआज़मा है मुसदा है बतूल है जिनका नाम मरीम है बल्कि उनके नाम का एक सूरह सूरा है शूर मरियम और ईद के नाम से मशहूर है और इन इनके अलावा कुरान शरीफ़ में किसी भी खातून का नाम नहीं है आप जाके तलाश कर लीजिए अगर हो तो आप हमारे इल्म अजाफी कीजिएगा बता दीजिएगा ताकि आपको सवाब दारान हासिल हो ऐसा नगरामी जब भी कोई मौजू पर गुफ्तू होती है या हो रही हो किसी जगह आप उस महफिल में या मजलिस में तशरीफ फरमा हो और कुछ अर्से के बाद आपसे कहा जाए क्या आप वहाँ नहीं थे इसका मतलब आप थे क्या आप वहाँ मौजूद नहीं थे क्या आपने नहीं देखा इसका मतलब देखा है इसे इस तरह के जुमले को जैसे जैसे दूसरे है कि वामा कतल क्या उनका कतल नहीं हुआ इसका मतलब यहाँ कतल हुआ ज़रूर कत्ल हुआ मगर कैसे अब वो अगला फिक्र जब इस सवाल पैदा होता है कि इकदाम कत्ल अम, अमद कैसे हुआ असदन किया गया अमदन किया गया इरादा इतना ही या हो चुका है वमास हूँ और क्या उन्हें सलीब या रसूली नहीं दी गई या यूँ कहिए क्या उनका कि उनको सलीब नहीं दिया गया बिल्कुल सही यही है कि सलीब ही के जरिए उनको कत्ल किया गया किस क्यों नाम बता दिया गरी सा मरियम को अच्छा वो लकिन न शुभ हूँ लेकिन उनको शुभ हो गई ये शुभ किसको हुआ जिनके सामने सलीब दिया गया उनको या चार सौ छः सौ आठ सौ साल के बाद के लोगों को शुबा हो रहा है कि नहीं जी उनको सलीब नहीं दिया गया आप सोचिए जो ऐनी शाहिद हैं वो तो कहने कत्ल हुआ सलीब दी गई या सलीब दिया गया आप अपनी जबान में जैसा कहते हैं दर्द को कुछ लोग मुजक्क मोनिस कहते हैं तानीस कहते हैं कुछ तस्वीर करते हैं दर्द हो रही कोई कहते दर्द हो रहा है यहाँ भी हम देखते हैं कि फिर पूछा है वली नखल्फ़ी ही लफ़ी शक्म हो और जिन लोगों ने उसके मतलब अख्तलाफ़ किया वह भी दर्ज़ शक में मुबिला है अब सवाल ये पैदा होता है अख्तिला किसने किया वो कौन लोग थे जिन्होंने अख्तलाफ किया और क्यों कि किया अख्तलाफ की वजह क्या है मालूम बही मिन उनके पास भी इस मामला में कोई इल्म नहीं है कोई यकीन नहीं है किसके पास इल्म यकीन है तो फिर कहा जाए इल्ला इत्तबा जन वो सिर्फ़ गुमान में है जन करते हैं और इसके सिवा उनके पास कुछ भी नहीं तो वमा कतल लोगों यकीन और क्या यकीन उन्होंने कत्ल नहीं किया शरीफ का अंदाज बयाँ सुबह नदूस व की इस भेद को जानने के लिए लोगों की उम्रें बीत अकबाल क्या बेहतरीन कर दे कुरान तो बरह है मगर अपने मुफसर तफसर से क़ुरान को बना देते हैं पास इन्हें पाँव में जंजीर डाल दिया यहूदियों में कुछ साहेबानी ईमान जिन्होंने हजूर मसीह पर ईमान लाए और कला मुकदस के मुताबिक उन्होंने वमल पैरा हुए लम सहे तशद हुआ उन पर अजियत दी गई उन्होंने अख्तिलाफ़ नहीं किया मगर कुछ यहूदी जो बाद में मुख्तलिफ फिरकों में थे बढ़ गए जो आज आज तो हर मजाब में फ़िरका हैं, और अमाम अकबा ने कहा था बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं हम असल चीज़ को छोड़कर दूसरी तरफ चले गए हक़ को छोड़कर छोड़ नाक पे जान देने को तैयार गए अबुल तो इस्लाम उस ज़माने में जिन्हें गनासी कबीला फ़िरक़ा कहा जाता था जिन्होंने जनाब मसीह पर ईमान तो नहीं लाए वो एक आम आदमी तसवर करते थे कि हाँ अच्छा था ठीक है नेक था एक और फिर वो था जो मसीह को मसाया कहते थे वो आज भी हैं उनको मसलूब नहीं किया गया बल्कि वो अभी तक यही छः पंज में है कि वो आए नहीं बल्कि आने वाले हैं और वो आज भी कहते मसाया आएगा और वो लोग हजरत मसीह को पहली आमद को रद्द करते हैं देखा आपने वो तो पहले से हैं वो कहते मसीह आया नहीं कुरान तो का मुझे तकरार करता है कि मसीह आए थे उनके मुज़ाते हैं सब हैं मसीह के वालिद नहीं है माँ के जरिया वगैरह वगैरह यानी वो, बगर वो सानी को पहली आमद कहते हैं और पैग़म इस्लाम सली व्म के बाद जब उन उस फ़िरक़े के लोग इस फ़िरक़े में दाखिल हुए तो उन्होंने क़ुरान शरीफ़ के तफसर इस आयत को बहुत सीध को तुर मोड़ कर पेश किया जो आज तक मुसलमान तजबज़ का शिकार है क्या करे क्या ना करे बहुत सारे लोग तज़ के शिकार है चूँकि उस जमाने में रिकॉर्डिंग तो थी नहीं जो रिकॉर्ड कर ली जाती और आज हमें वो क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं था ना साइंस इतने रूज पर नहीं थी आज जो हमें हासिल है तारीख़ तिबरी का मताल कीजिए बहुत कुछ आपको मिल जाएगा हमारे बच्चों के वक्त कम होता है महदूद वक्त में हमें के समेटना होता है तो बहुत कुछ यानी जब तिबरी के तर पढ़ेंगे आप तर्ज उसका मुताल करेंगे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इस बात को जानने के लिए हमें उस ज़माने के अखबार को देखना होगा इन कुतुब मुकदसा को देखना वही अखबार है जिसमें खबरें लिखी जाती थी जो मु... और उस किताब को तकरीबन सोलह सौ साल में उस अखबार को लिखा गया और चालीस मुक़दसन ने लिखा अखबार अखबार ख़बर का जमा है ये आप हमसे ज्यादा जानते हैं जिस जमाने अखबार नहीं था उस जमाने में यही चीज़ जो मुक़दसन थे सोलह सौ सो साल में इस अखबार को मरतब किया गया जिसको हम कलाम लाही कहते हैं या सैफ आसमानी कहते हैं वो चार किताबें तौरात जो पहली किताब थी उसमें पाँच किताबें हैं फिर इसके बाद सहाफ़ अम्बिया जबूर शरीफ फिर कुछ साहफ अम्बिया यानी अम्बिया दो तरह के थे एक, एक जिनका जमाना तवील था उनको अम्बिया अकबर कहते जिनका ज़माना कल मुख्तर था उनको अम्बिया अजगर कहते हैं फिर उसके बाद इंजील, चार किताबें पाँचवीं किताब कुरान शरीफ है अब हम तो कुरान से पढ़ के जा रहे हैं क्योंकि आपने पहले कह दिया कि वो रद्द कर दी गई ठीक छोड़ी किताब मकदसों के मुतक़ यही रद्द करता है कि पहले दुआ करें आइए हम आपको तरीका बता दें कि चीज़ हासिल कैसे करते हैं पहले दुआ में रहें आप दुआ करें कि रब्बुल आलमी जो कादर मतलक है सब कुछ करने की मुहैया करने की ताकत रखता है कुदरत रखता है और इंसान जो मांगता है उसको मिलता है वो अता करने वाली ज़ात है वो उसका उसे यह जरी कहते हैं वार में वो मुहैया कर देगा आपको उसे इल्म मांगिए कि हमें उस किताब का इल्म अता कर जो तुमने पहले नाजिल किया आपको अता करेगा ऐसा ग्रामी आइए हम दूसरा सवाल जो क्या हजरत मसीह मरे नहीं बल्कि वो उठ खड़े हुए ये एक इस्कालर थी जिन्होंने सवाल किया था और सरबान में सवाल पैदा हुआ ये बर के बहुत ही मशहूर स्कॉलर हैं जिनका दावा है कि हजरत मसीह मरे नहीं वो तो उठ खड़े हुए मुझे सवाल पराम अकबाल रमत शायर मशरक़ का मशुआ कलाम जो है ज़रब कलीम उसमें एक नज़्म उन्होंने लिखा थी इश्तहाद उस पर कहते हैं कि हिंद में हमत दी कोई कहाँ से सीखे हिंद में हकमत दी कोई कहाँ से सीखे कहीं लज्जत न कहीं लज्जत किरदार न अफकार अमीक़ हल्के शौक़ में वो जुर्म्रत अंदेश कहाँ आह महकम व तकलीदाल तहक़ीक खुद बदलते नहीं और आन बदल देते हैं वे जिस किस कदर फ़कीहान हरम बे तोफ़ीक और उन गुलामों का ये मसल है कि नाकस है किताब के सिकाती नहीं मोमिन को गुलामी के तरीक़ एसान ग्रामी इस सवाल के दो जुज़ हैं पहले तो ये तय कर ली जाए कि हजरत मसीह मरे नहीं उनका इंतकाल नहीं हुआ उन्हें कत्ल नहीं किया गया उन्हें मसलूब नहीं किया गया हम एक ग्रुप को ले लेते हैं चलिए आप उस ग्रुप में आ जाइए उनकी शहादत नहीं हुई आइए कुरान से इस्तः करते हैं कि हज़र कुरान शरीफ बात उस वक्त की है जब आप गहवारे में थे अभी चंद साहब के हैं अब बताइए कि अभी तो उनकी आमद के चंद साथ ही गुजरे हैं उस शेर के आला में कलमतुल्लाह के ज़बान अकदफ पे से निकले हुए अल्फाज जो सूरह मरियम की उन्नीसवें सूरह की ती, तीसवीं आयत है अब्दुल्ला क्या कहा उन्होंने कहा बेशक मैं अब्दुल्ला हूँ मैं नहीं करूँगा इस इस लफ्स का आता है किताब मुझे उसने किताब दी है वजालनबिया और नबी बना कर भेजा है क्या तारीख़ इंसानियत में कोई भी बच्चा कलाम कर सका कभी शे खारगी के आलम में अपने ख्वाहिश का इजहार वो रो कर करता है माँ जानती है इसे तकलीफ है ये भूख लगी ये प्यास है क्या है बाप को भी नहीं पता चलता है अजीज़म अब बताइए कौन उस उस वक्त कौन सी किताब थी जो वो लेकर आए अगर कोई गैर ईमानदार शख्स तहकी करता हूँ ये सवाल कर बैठे कि हजूर वाला अभी जो तो चंद साद के नाविल्ला क्या हज़र मसी ने झूठ कहा और पलट कर पूछ ले कि तो आप आप तो चराग पर हो जाएंगे आप तो फौरी फतवा शादिर कर देंगे और ये वाजबल कतल है यानी आप मजिस्ट्रेट नहीं आप जज बन जाएंगे बजाय वकील बनने के और गुस्साखी का फतवा लगा कर को वो तो आप कत्ल भी कर देंगे और अगर उसने एक और सवाल दाग दिए कि क्या कुरान में ऐसा कहीं लिखा है माफ कीजिएगा हरगिज़ ऐसा नहीं है मैं तो यह कहूँगा प्यारे भाई दोनों सच्चे हैं फ़र्क ये समझने का आता है न किताब इससे कि मसीह जो कुरान शरीफ गुरु से कलमतुल्ला है खुद नात के किताब हैं वो जो जो कह दिया वो किताब बन गई बस ये समझ लीजिए और सूर मरियम को वो आप कहाँ ले जाएंगे उस आयत को तैतीस मैतम यामल वल्द तो व्योमू तो योम्हैया मुझ पर सलाम जिस दिन मैं पैदा हुआ जिस दिन मैं मरूंगा जिस दिन मैं ज़िंदा उठाया जाऊंगा यानी अस खुद ज़िंदा हो जाऊंगा कुरान शरीफ़ की इस बात को जो भी इनकार करे गया गबाली ने सर टक्कर लिया उसने वो टक्कर ले रहा है और आपको याद है कि अजल में जिसने टक्कर ली थी वो रादे दरगाह हो गए और कयामत तक लानत तो उस पर बरस पड़ा है अब आपकी मर्जी एज मुतरम हजरत आदम से लेकर हज़रत मसीह और हजरत मसीह लेकर तो क़यामत एक जुमला तमाम इंसानों में से किसने कहा है अजल कुरान शेफ़ सिर्फ़ और सिर्फ हजरत मसीह उनकी वलादत भी सलामती उनका वफात पाना भी सलामती उनका मुर्दों में से जी उठना भी सलामती इस आयत में तीनों बाब हैं अजीज़ अच्छा अब एक आयत के हम आपको जहमत दे दें फिर हम इजाज़त चाहेंगे अब जितने भी हमारे भाई शक में मुतला हजूर मसीह की मौत नहीं हुई या सलीब नहीं दिया गया तो मुदफ़ी हुए अब आप हमने जो सरनामे कलाम में आपकी खदमत पेश की थी एक और आयत सूर्य इमरान की आयत आयन पचपन इस कौलिस इन मुतविका अल्लाह ने कहा असा मैं तुझे वफात देने वाला हूँ यानी मरियम का बेटा ईसा को कौन मरियम के बैठे जो अल्लाह के रसूल उसने कहा हमने कत्ल कर दिया ये पूरा जो जबकौल कौलम इन न कतल नाम पेश कर चुके हैं याद की लेकिन यहाँ यह है कि इन्नी मुतवफ़िका वाफा मैं तुझे फौत दूंगा यानी मर जाएंगे वो ऐसा न ए गर्मियन या इसे या इस इन्नी मुतवफ़िका फरमाया कि ईसा बेशक मैं तुम्हें वफात देने वाला हूँ अब कि रब्बालमी किस कलाम को छुटलाएगा कुरान को जो कुरान को छुटलाएगा उसे आप क्या कहेंगे मैं नहीं कह सकता व का और मैं तुझे अपनी तब उठाऊंगा जाहिर सी बात है पहले फ़ौत है फिर राफ़े है पहले मतवफ़े का मुतफ़ी होंगे तो राफ़े होगा आप पहले राफ़े को ले जाते हैं बाद में मुतफ़ी कर रहे हैं कहने जो उठा लिया मिना लजीन कफ़र उन लोगों से जो तेरा इनकार करते हैं या इनकार करेंगे कौन लोग काफ़िर होंगे वो वजायज व लज़ीन फ़ोका फ़ोका लजीना गफर हो जो लोग तेरी इतवा करेंगे ताबेदार होंगे मैं उन मुनकरे पर काफिरों पर फोके इसको मसीह के मानने वालों को जो मसीह को मानेगा जो हजरत ईसा को माने कब तक अलाम्याम कयामत के दिन तक गालिब रखेंगे अब आप सोचें कौन गालिब हो रहा और कौन कह रहा है कि हम ालिब नहीं हैं? सुबह अला मर जकुम फिर तुम सबको मेरी तरफ लौट कर आना जाहिर सी है जो पैदा हुआ से मरना इला राजऊँ हमें सबको उसकी तरफ लौट कर जाना है फ़ाह कमल बैनकुम फिर मैं तुम्हें फ़ासला करूँगा किस बात का फिर मैं आपको तुम तख्तलफ़ून जिस बात से तुम इख्तलाफ़ करते झगड़ते थे और जब मसीह को सलीब दे दिया मसीह जब तीसरे दिन जी उठे मुर्दों में से जी उठे उठ खड़े नहीं वो मुर्दे थे मुर्दों में से अस जी उठे लेकिन उनका कफन वहीं वैसे ही रखा रहा जैसा था यानी जिसमें से जब गुब्बारे में से में हवा निकाल दी जाए इसीलिए जिसम उनका नहीं था जिसम निकल गया अब वो जिसम जलाली बदन बन गया था तो जब वो जिसम से वो कफ़न वैसे ही रहा जिसम जलाली बदन का जब वो निकले वहाँ से और फिर अपने शागिदों से मिले तो उसमें एक शागिर नहीं का तूमा जिसका मैंने कल जिक्र किया था उसने कहा था कि मैं तो यकीन नहीं करूंगा मैं जब तक तो चेक नहीं करूंगा लेकिन कुछ दिन, कुछ लम कुछ दिन के बाद मसीह खुद आए उस, उस कमरे में और उन्होंने कहा कि वाजे करके कर कहा कि तुम्हारा ये ले मेरे उंगली में सुराख हथेली के, के सुराख में और पसली के सुराख में उंगली डाल कर देख ले उसने चेक किया हैरान रह गया कि हड्डी नहीं है तो आपने फरमाया कि रूह में हड्डियाँ नहीं होती चेक किया था और वो तुम्हारा इस बर में आया जहाँ ये मसीयत फैली है आज जो उनमा कैसे जाता है ऐसा निगरानी हम कहाँ कहाँ इनकार करेंगे किसका इनकार करेंगे तो आप ऐसा कीजिएगा सोर बकरा के आत्मा दो सौ दस का मताले कीजिए कि यही ऐसी है जो दोबारा दुनिया में आने वाली है जैसे गए थे जलाली बदन के साथ इंसानी बदन के साथ इंसान नहीं जा सकता खिला में नहीं जा सकता वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं अब आप दोबारा मुताल कीजिएगा और जो आपके जहन में आज के मदरब सवाल आए आप ज़रूर कीजिएगा फीडबैक दीजिएगा तो आइंदा नशे के लिए हम कुछ नए प्रोग्राम के साथ आएंगे। उस के लिए इजाज़त खुदा हाफिज़ नासिर।